संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी समन्वय समिति उत्तर प्रदेश आह्वान पर जिले के प्राइमरी समितियों में कार्यरत सचिव आंकिक विक्रेता एवं सहयोगियों की नियमित और बकाया वेतन के निराकरण के संबंध में धरना प्रदर्शन, जिसकी सूचना पूर्व में 17 अक्टूबर 2018 को दी जा चुकी है। सहकारिता विभाग द्वारा व शासन स्तर से हमारी लगातार उपेक्षा की जा रही है, जबकि प्रार्थी गण द्वारा शासन स्तर की सभी किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियाशील करने में योगदान देते हैं। प्रार्थीगण का परिवार भुखमरी की कगार पर है एवं प्रार्थीगण की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की निम्न मांगों को निस्तारण किया जाना अति आवश्यक है। प्राइमरी सहकारी समितियों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति राज्य कोष से नियमित वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। समितियों के वर्तमान एवं सचिवों को उनके बकाया वेतन का भुगतान शीघ्र किया जाए। पैक्स कर्मियों को कोई भविष्य निधि बीमा एवं पेंशन आदि की सुविधा नहीं मिलती, ऐसे में इनको 2 वर्ष का अतिरिक्त देते हुए सेवानिवृत्ति आयु सीमा 62 वर्ष की जाए। इसमें उपस्थित संजीव शर्मा मंडल अध्यक्ष, आजाद हुसैन जिलाध्यक्ष, दीपक चौहान जिला महामंत्री आदि उपस्थित रहे। लाइव डिस्ट्रिक्ट से इनाम उलक के साथ मनोज सैनी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो। सहकारिता विभाग जिंदाबाद, सहकारिता विभाग जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारी समिति कर्मचारियों के उसमें आंकड़े हैं, सचिव हैं और चौकीदार हैं, सेल्समैन हैं, उनको राज कर्मचारी के साथ वेतन मिलना चाहिए और हमें कई के सालों से वेतन नहीं मिल पाए और जो हमारा पिछला वेतन है उसका भुगतान करना चाहिए। हमारी जो मेन मांग है कि हमें राज कर्मचारी के साथ वेतन मिलना चाहिए। सर आपकी मांगे पूरी नहीं होती, करेंगे अगर नहीं मिलती है तो हम 1 अप्रैल से 1 नवंबर को हम विधानसभा घेराव करेंगे और उसके बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो पूरे जिले का कार्यक्रम करेंगे। खाद और बीज की अगर ढीले होती है उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग कैक से आए हैं। कहाँ पर आए हैं आप? कलेक्टेड में आए हैं, जिलाधिकारी कार्यालय।